एक और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक से लिए संन्यास। बताया जा रहा है कि राजनीति में फेरबदल बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और मोदी तत्काल मीटिंग बैठाते जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एसएस कृष्णन ने, जो अपने राजनीतिक करियर से उत्तराधिकार में बीजेपी में शामिल हुए थे, 90 साल की अवस्था में टूट गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे सक्रिय राजनीतिक से संन्यास ले रहे हैं। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव राज्य के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा लड़ी जाने वाली है और आखिरी लड़ाई होने की संभावना भी है। नेताओं की एक पीढ़ी अपने करिश्मे, लोकप्रियता और सार्वजनिक सेवा के कारण करीब 4 दशकों से शीर्ष पर लड़ रही है, लेकिन मई 2023 में उनके द्वारा अपना आखिरी चुनाव लड़ने की संभावना है। उनमें से कई नेताओं के लिए 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि तब तक युवा और महत्वाकांक्षी नेताओं का समूह बहुत आगे बढ़ चुका होगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि एसएस कृष्णा क्यों अभी ही राजनीतिक से संन्यास ले रहे हैं। इस पर मोदी ने तत्काल मीटिंग बुलाया है और सभी नेताओं का वहाँ पर बैठक हुआ है कि आखिर इतना जल्दबाजी वो क्यों कर रहे हैं। एसएस कृष्णा ने कहा कि मैं 90 साल की अवस्था में हो चुका हूँ और अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा मुझसे ये सब नहीं हो सकता है। मैं अपने उम्र से बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मन से संन्यास लेने जा रहा हूँ। इस पर सभी नेताओं ने बातचीत की और मीटिंग भी बैठाई। तो वो अब संन्यास ले रहे हैं 90 साल के दशक में, तो आपको क्या उम्मीद है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।